हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जिसका नाम है ललिता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि 1950 में अमेरिका में हम्बर्ट नाम के एक आदमी को हम गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। और हम्बर्ट बोलता है कि ललिता मेरा पहला प्यार थी और ललिता ही मेरी पूरी जिंदगी थी, लेकिन ललिता ने मेरे साथ ऐसा करके ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं हम्बर्ट के बचपन को जब वो 14 साल का था और फ्रांस के एक टाउन में रहता था। उन दिनों हम्बर्ट के टाउन में एक 14 साल की एनाबेल नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर हम्बर्ट को प्यार हो जाता है और एनाबेल भी हम्बर्ट से प्यार करने लगती है। ये हम्बर्ट और एनाबेल की जिंदगी के काफी कीमती पल होते हैं, जिन्हें एंजॉय करते हुए ये लोग जल्द ही शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन इन दोनों का प्यार ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, क्योंकि एनाबेल की एक बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर हम्बर्ट काफी दुखी होता है और वो पूरे तरीके से टूट जाता है। लेकिन इस घटना के बाद उसे किसी और लड़की से भी प्यार नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। धीरे धीरे इस घटना को काफी समय बीत जाता है और हम्बर्ट की उम्र भी अब 40 वर्ष हो जाती है। और अब देखते हैं कि हम्बर्ट को अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जिसके लिए उसे नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करना था। लेकिन हम्बर्ट अभी से अमेरिका के लिए निकलता है, क्योंकि वो एक नॉवल लिख रहा था जिसे उसे इन्हीं छुट्टियों में पूरा करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल अपने एक दोस्त के यहाँ पर उसके रहने का अरेंजमेंट करते हैं। और जब हम्बर्ट उस घर को देखने के लिए पहुंचता है तो हम्बर्ट को वो घर पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो घर काफी छोटा और गंदा था। और उस घर की मालिक हैज हम्बर्ट से बिना मतलब नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। ये देखकर हम्बर्ट जब वहां से जाने लगता है तो हम्बर्ट की नजर हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके कदम वहां के वहीं रुक जाते हैं। और उसे एनाबेल की याद आने लगती है, क्योंकि ललिता बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और ललिता की उम्र भी एनाबेल के ही जितनी थी जब उसे एनाबेल से प्यार हुआ था। क्योंकि हम्बर्ट ने अपनी सारी जिंदगी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में गुजार दी थी, लेकिन आज उसके सामने ऐसी लड़की थी जो एनाबेल की उसे याद दिलाती थी। यही हम्बर्ट ललिता की स्माइल देखकर उसका दीवाना हो जाता है और उसे ये घर भले ही पसंद ना आया हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रहने के लिए मान जाता है। यहाँ रहते हुए हम्बर्ट को ललिता के अंदर उसकी एनाबेल दिखाई देती थी और वो ललिता को छुप छुप कर देखा करता था। हालांकि ललिता की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा समझदार थी, क्योंकि जब ललिता ने पहली बार हम्बर्ट को देखा था तो ललिता पहली बार में ही समझ गई थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। और ललिता हम्बर्ट से नजदीकी बढ़ाने के लिए कभी उसकी गोद में बैठती है और कभी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। यही ललिता की माँ हैज भी हम्बर्ट को काफी पसंद करने लगती है और वो मन ही मन हम्बर्ट से शादी करने के सपने देखने लगती है। एक दिन जब हम्बर्ट हैज को लेकर एक लेक के पास पहुंचता है तो हैज उसे बताते हुए बोलती है कि वो ललिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है। ललिता कैंप जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो ललिता को समर कैंप में भेज देती है। जिस दिन ललिता समर कैंप में जा रही थी, उस दिन हम्बर्ट उठने में थोड़ा लेट हो जाता है और वो जागता है तो भागकर अपने रूम की खिड़की पर पहुंचता है, जहां से वो ललिता को देखने लगता है। और ललिता भी हम्बर्ट को देख लेती है। तभी ललिता अपनी गाड़ी से अचानक उतरकर हम्बर्ट के रूम में आती है और वो हम्बर्ट की गोद में चढ़ जाती है और उसे किस करने लगती है। हम्बर्ट ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो इस पल को बार बार अपनी आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। ललिता के कैंप जाने के बाद ललिता की माँ अपने नौकर के द्वारा हम्बर्ट के पास एक लेटर भिजवाती है और इस लेटर में ललिता की माँ ने हम्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज किया होता है। हम्बर्ट ये देखकर काफी सोच में पड़ जाता है और वो काफी सोच विचार करने के बाद उसकी माँ से शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि हम्बर्ट के पास ललिता के करीब रहने का यही एक तरीका था। हम्बर्ट और हैज दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हम्बर्ट ललिता के समर कैंप से वापस आने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि हम्बर्ट ललिता के प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुका था। इसलिए वो हैज के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए उन्हें नींद की गोली देना शुरू कर देता है। लेकिन हैज को अभी तक ललिता और हम्बर्ट के रिलेशनशिप के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ये हम्बर्ट और ललिता के बीच का एक सीक्रेट था जो कि ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता है। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता, तभी हैज उसकी एक डायरी पढ़ लेती है और उस डायरी से हैज को पता चलता है कि हम्बर्ट ललिता से काफी प्यार करता था। उस डायरी में हम्बर्ट ने हैज के खिलाफ काफी घटिया बातें लिखी हुई थी कि हैज एक चिपकू औरत है और वो बिना मतलब हम्बर्ट से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। ये देखकर हैज को हम्बर्ट पर काफी तेज गुस्सा आता है और जब हम्बर्ट शाम को घर आता है तो वो हम्बर्ट पर काफी तेज गुस्सा होने लगती है और हम्बर्ट से बोलती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। ये सब बोलते हुए वो उससे सारे रिश्ते खत्म करने के बाद वो वहां से जाने लगती है। और जाते समय हैज का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है।
ये देखकर हम्बर्ट को हैज की मौत पर थोड़ा दुख होता है, लेकिन अब वो पूरे तरीके से फ्री हो चुका था क्योंकि अब लोलता और उसके रिश्ते पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। और अब हम्बर्ट लोलता को कैंप से वापस लाने के लिए निकलता है, जहां हम्बर्ट लोलता को उसकी माँ की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उससे बोलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हम्बर्ट लोलता को लेकर वापस आ रहा होता है, तभी वो लोलता से बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया था, जिस पर लोलता बोलती है कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। लोलता की ये बात सुनकर हम्बर्ट काफी शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर हम्बर्ट और लोलता दोनों आपस में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ से इन दोनों की रोमांटिक लाइफ शुरू हो जाती है और किस करने के बाद हम्बर्ट लोलता से बोलता है कि हम पहले एक होटल में रुकेंगे और उसके बाद हम तुम्हारी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। अब ये दोनों होटल पहुंचते हैं और होटल में लोलता की मुलाकात एक क्लियर नाम के हैंडसम आदमी से होती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। यहाँ हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लियर से होती है, लेकिन वो क्लियर को नाम से नहीं जानता है और वो क्लियर के बारे में सोचने लगता है कि वो कोई जासूस है और उसकी वाइफ की मौत के बारे में उसकी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इस होटल में अब लोलता और हम्बर्ट के बीच की रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप में बदल जाती है और ये दोनों इस पल को इस होटल में जी भर के जीने लगते हैं। अब अगले दिन लोलता अपनी माँ से बात करने के लिए हम्बर्ट से उस हॉस्पिटल का नंबर मांगती है, जिस पर हम्बर्ट लोलता को सब कुछ सच बता देता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो एक एक्सीडेंट के चलते मारी जा चुकी है। हम्बर्ट की ये बात सुनकर लोलता को काफी दुख होता है और वो वहाँ पर काफी तेज रोने लगती है। अब लोलता के पास उसके घर जाने की कोई भी वजह नहीं थी, इसलिए ये दोनों पूरे अमेरिका को घूमने का डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों लोग एक के बाद एक होटलों को बदल बदल कर उन होटलों में गुलू गुलू करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, जिसको भी गुलू गुलू का मतलब समझ में ना आए, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस गुलू गुलू का मतलब पूछ सकते हैं। अब हम्बर्ट लोलता को लेकर उस कॉलेज में पहुंचता है जहां पर वो प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करता था और वो लोलता का एडमिशन भी इसी कॉलेज में करा देता है, जिससे कि लोलता हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे और ये दोनों दुनिया के सामने एक बाप बेटी के रिलेशनशिप में रहा करते थे, जहां लोलता हम्बर्ट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके उससे अपनी मांगें पूरी कराया करती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लोलता और हम्बर्ट के बीच का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहता है और हम्बर्ट को लोलता को लेकर काफी टेंशन होने लगती है और वो सोचने लगता है कि किसी दिन लोलता को उससे कोई दूर ना ले जाए। एक दिन हम्बर्ट लोलता को एक रेस्टोरेंट में फोन पर बात करते हुए देख लेता है और ये देखने के बाद जब वो लोलता के पास जाता है तो लोलता फोन काटने के बाद अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। इससे पहले कि इन दोनों का रिलेशन और ज्यादा खराब हो, हम्बर्ट उसे एक टूर पर ले जाने को बोलता है और इस टूर पर जाते समय हम्बर्ट देखता है कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। ये देखकर हम्बर्ट अपनी गाड़ी को एक कैफे के पास रोक देता है और जब वो कैफे के अंदर जाता है तो वो वहाँ से देखता है कि लोलता किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही है। ये देखकर हम्बर्ट जब तुरंत से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो आदमी वहाँ से जा चुका था और जब लोलता से वो उस आदमी के बारे में पूछता है तो लोलता बोलती है कि वो एक रास्ता भटक गया था, इसलिए मैं उसे वो रास्ता बता रही थी। अब हम्बर्ट मन ही मन सोचने लगता है कि वो वही जासूस है जो उसे होटल में मिला था। अब ये दोनों एक होटल में जाकर रुकते हैं जहाँ पर लोलता की तबीयत अचानक से काफी खराब हो जाती है। ये देखकर हम्बर्ट लोलता को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर लोलता का चेकअप करके डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे वायरल फीवर है और लोलता को आज रात हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। अब हम्बर्ट लोलता को हॉस्पिटल में एडमिट कराकर खुद वापस होटल आ जाता है और जब हम्बर्ट लोलता को लेने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लोलता को कोई फीवर नहीं हुआ था और वो सुबह तक ठीक भी हो गई थी। और हम्बर्ट को ये भी पता चलता है कि उसके अंकल आकर उसे डिस्चार्ज करके यहाँ से ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो वहाँ के डॉक्टरों से झगड़ा करने लगता है। दरअसल लोलता को कोई भी बीमारी थी ही नहीं, ये तो क्लियर और लोलता के वहाँ से भागने की प्लानिंग थी। और अब हम्बर्ट लोलता को ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन उसे लोलता कहीं पर भी नहीं मिलती है। इस तरह धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के बाद हम्बर्ट के पास लोलता का एक लेटर आता है, जिसमें लोलता को पैसों की काफी जरूरत थी। जब हम्बर्ट उस लेटर में दिए हुए पते पर पहुंचता है तो देखता है कि लोलता वहां पर प्रेग्नेंट थी। और अब हम्बर्ट जानना चाहता है कि लोलता को उससे दूर ले जाने वाला वो इंसान कौन था, जिस पर लोलता बोलती है कि वो एक क्लेयर नाम का आदमी था जो हम्बर्ट के पीछे उससे मिलने आया करता था। और लोलता बताती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसे वो जी जान से प्यार करती थी। जब वो पहली बार क्लेयर के घर पर गई थी तो उसे पता चला था कि वो पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और क्लेयर ने लोलता को शादी का लालच देकर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। ये देखकर हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन लोलता उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब हम्बर्ट लोलता को कुछ पैसे देकर वहाँ से क्लेयर के घर के लिए निकलता है।
क्योंकि हम्बर ने जिस लड़की को जान से ज्यादा प्यार किया था उसे क्लेयर ने उससे छीन लिया था और उसे मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। ये सब सोचकर हम्बर क्लेयर के घर पहुंचकर उसे वहीं पर शूट कर देता है और जेल पहुंचने के बाद एक बीमारी के चलते हम्बर की वहां पर मौत हो जाती है। और हम्बर की मौत के बाद अगले महीने में क्लेयर भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद गुजर जाती है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो गाइज अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।